रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको थर्मल रेडिएशन एंड कैविटी रेडिएशन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थर्मल रेडिएशन क्या होती हैं। द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। जो रेडिएशन एमिट होती हैं जब किसी मटेरियल को हीट करते हैं हम, उससे निकलने वाली रेडिएशंस को हम थर्मल रेडिएशंस कहते हैं, क्योंकि वो हीट की वजह से निकल रही होती हैं। और जैसे कि नाम से ही जाहिर है, थर्मल रेडिएशन, थर्म मीन्स हीट, तो इसे हम कहेंगे कि ये थर्मल रेडिएशंस हैं। ऑल मटेरियल्स नॉट ओनली एमिट थर्मल रेडिएशन बट आल्सो एब्जॉर्ब सच रेडिएशन फ्रॉम सराउंडिंग्स। तमाम मटेरियल्स ना सिर्फ एमिट करते हैं थर्मल रेडिएशंस को, बल्कि एब्जॉर्ब भी करते हैं अपने सराउंडिंग्स से। The emission rate is larger than absorption rate when a material is hotter than its surroundings. जो emission rate है वो ज़्यादा भी हो सकता है absorption rate से। ये कब ज़्यादा होगा? जब material जो है वो hotter होगा, ज़्यादा hot होगा अपनी surroundings से, तब emission rate जो है वो ज़्यादा होगा absorption rate से। ये होती हैं thermal radiations. अब हम बात करते हैं ideal radiator की। द मटीरियल हूज थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ शेप एंड नेचर ऑफ द मटीरियल इज कॉल्ड आइडियल रेडिएटर। ऐसा मटीरियल जो सिर्फ थर्मल, जिसमें थर्मल रेडिएशन हैं वो सिर्फ डिपेंड करें टेम्परेचर पे और वो शेप और नेचर पर डिपेंड ना करें, उसे हम आइडियल बॉडी कहेंगे, आइडियल रेडिएटर कहेंगे। आइडियल रेडिएटर हम इसको इसीलिए कह रहे हैं कि इस पे ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। हालांकि अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो टेम्परेचर, शेप एंड नेचर, ये तीनों चीज़ें मैटर कर रही होती हैं मटेरियल की। लेकिन अगर हम आइडियल केस में देखें तो इसका मतलब, तो ये हम कहेंगे कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम आइडियल रेडिएटर कहेंगे। द आइडियल रेडिएटर कैन बी अरेंज्ड इन अ लेबॉरेटरी बाय मेकिंग अ स्मॉल होल कैविटी इन अ मटेरियल सच दैट वॉल्स आर ब्लैकेंड। हम आइडियल रेडिएटर को लेबॉरेटरी में बना सकते हैं। जैसे कि हम एक मटेरियल लेते हैं, उसकी जो आउटर साइड्स हैं हम उसको ब्लैक कलर कर देते हैं, तो उसकी वॉल्स जो हैं वो ब्लैक हो जाती हैं। और उसमें अगर हम एक होल कर दें, एक कैविटी कर दें मटेरियल में, तो वो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? आइडियल रेडिएटर। ये तो हमने बात कर ली थर्मल रेडिएशंस की, आइडियल रेडिएटर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कैविटी रेडिएशंस की। द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ मटीरियल प्लेस्ड इन अ कैविटी बॉडी, कैविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड कैविटी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो रेडिएशंस जो कि एमिट हो रही होती हैं मटीरियल से, जब हम उसको ब्लैक बॉडी की कैविटी में रखते हैं, तो उसे हम कैविटी रेडिएशंस भी कहते हैं और हम उन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी कहते हैं। द ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन दैट फॉल्स अपॉन इट एंड एमिट्स सेम टाइप ऑफ रेडिएशन। ब्लैक बॉडी किस वक्त बनती है? ब्लैक बॉडी जब वो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रही हो और ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस एट द सेम टाइम एमिट भी कर रही हो, तो उसे हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। द ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल एब्जॉर्बर एज वेल एज आइडियल रेडिएटर। ब्लैक बॉडी यहाँ पर एग्जाम्पल है आइडियल एब्जॉर्बर की एज वेल एज आइडियल रेडिएटर की भी। अब हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशंस। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमें एक स्पेक्ट्रम देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि थर्मल रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशन ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूअस एज शोन इन डायग्राम। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास यहाँ पर थर्मल रेडिएशंस का, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ की। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो हमें एक ग्राफ ड्रॉ करके देता है, तो वो ग्राफ जो है हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आता है जैसे ये डायग्राम में हमें शो हो रहा है। रेडियंसी एंड वेवलेंथ के दरमियान जो डायग्राम, जो ग्राफ शो हो रहा है, वो एक्चुअली थर्मल रेडिएशन का ग्राफ है। द स्पेक्ट्रम हैज़ टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। इस स्पेक्ट्रम की अब दो टाइप्स की होती हैं, जिसे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं और दूसरी टाइप होती है मटेरियल डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स। अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। द टेम्परेचर डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स हैज़ टू पार्ट्स। नंबर वन,
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ मटीरियल द अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन ऑल्सो इंक्रीजेज. जैसे ही टेम्परेचर जो है वो बॉडी का एक मटीरियल का इंक्रीज होता है तो जो उसमें से निकलने वाली रेडिएशन हैं वो भी उतनी ज़्यादा अमाउंट में निकलती हैं, उतनी ज़्यादा अमाउंट में एमिट आउट होती हैं. नंबर टू, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ मटीरियल द वेव लेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन डिक्रीजेज. जब एक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो एमिटेड रेडिएशंस तो ज़्यादा निकलती ही हैं, उसके साथ क्या हो रहा होता है, दूसरा स्टेप भी हो रहा होता है, वेवलेंथ जो है एमिटेड रेडिएशन की वो कम हो रही होती है. यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, सेकंड पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर है उसका इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ से. और नंबर वन पॉइंट में हमारे पास क्या बता रहा है वो कि जो टेम्परेचर है मटीरियल का उसका डायरेक्ट रिलेशन है एमिटेड रेडिएशन से. अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, When a platinum wire is heated, it appears dull red at 500 degrees Celsius temperature, changes to cherry red at 900 degrees Celsius, becomes orange red at 1100 degrees Celsius, yellow at 1300 degrees Celsius, and finally white at 1600 degrees Celsius. अब वो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है प्लेटिनम वायर की. अगर हम उसको के हीट करते हैं तो अगर हमें हमारे पास उसका कलर अपीयर हो डल रेड, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें रेड नज़र आए, तो उसका मतलब ये होगा कि 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, कि उसका टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर डल रेड से चेरी रेड में जाएगा, मतलब हल्का लाल कलर से वो डार्क रेड कलर हो जाएगा, तब तो उसका टेम्परेचर जो है वो 900 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच चुका होगा. अब हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर जब ऑरेंज रेड की तरफ जाएगा तो उसका मतलब है उसका टेम्परेचर जो है वो 1100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है. और जैसे ही येलो होगा उसका टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, यहाँ पर प्लेटिनम वायर जो हमारे पास मटेरियल है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब वो 13 येलो कलर हमें दिखेगा तो उसका मतलब है ये इसका टेम्परेचर जो है वो 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है. और जब फाइनली हमें वाइट कलर दिखेगा तो उसका मतलब है हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. अब हम देख लेते हैं मटेरियल डिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक्स को. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशन डिपेंड अपॉन शेप एंड नेचर ऑफ द मटेरियल. फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो, यहाँ पर अगर हम बॉडी लेते हैं टंगस्टन मेटल लेते हैं, अगर हम उसको हीट करते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो 2000 केल्विन तक पहुँच चुका होता है, तो उसका मतलब है, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट ने मैयर की है इंटेंसिटी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी मैयर की है वो 23.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसी तरह कंपेयर करें, अगर हम टंगस्टन की मेटल को मॉलिब्डेनम की मेटल के साथ अगर हम उसको हीट करते हैं, जो उसकी अपर लेयर है पॉलिश्ड फ्लैट सरफेस, वो हमें क्या बताती है कि कौन सी रेडिएशन निकल रही हैं. रेडिएशन की इंटेंसिटी मेजर की गई है यहाँ पर मॉलिब्डेनम के लिए 19.2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमें यहाँ से मटेरियल का पता चलता है कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी जो है वो इतनी होगी. अब हमने देख लिया स्पेक्ट्रल ऑफ थर्मल रेडिएशन को. स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशन हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है, टेम्परेचर एंड मटेरियल. और इसका ग्राफ जो है वो वेवलेंथ और रेडियंसी की फॉर्म में बनता है. वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, रेडिएंसी का रेडिएशंस का डायरेक्ट रिलेशन है. अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैविटी रेडिएशन की. देर आर थ्री वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैविटी रेडिएशन कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्पेक्ट्रल रेडिएंसी एंड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ. तीन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं कैविटी रेडिएशन की. हम पहले बात कर लेते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है. स्टीफन ने हमें एक लॉ दिया जिसमें उसने बताया, द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट्स दैट टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी अपर्चर इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी, जिसको वो यहाँ पर डिनोट कर रहा है आई टी से. ये हमारे पास क्या है, रेडिएंट इंटेंसिटी है, कि जब टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया कैविटी अपर्चर की हमारे पास क्या होती है, वो रेडिएंट इंटेंसिटी होती है. ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है. फिर उसने हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया, दिस रेडिएंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. रेडिएंट इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन बताया है उसने टेम्परेचर का. यहाँ पर ये टेम्परेचर ओनली सिंपल टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा है, जो कि टी से डिनोट कर रहा है उसको. और वो आई इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4, जो कि डायरेक्ट रिलेट कर रही है इंटेंसिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 से.
जिसमें सिग्मा जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसे हम स्टीफन बोल्ट्समैन कांस्टेंट कहेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 5.6 क्रॉस अंडर रूट पर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 है। द ऑर्डिनरी हॉट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज रेडिएट लेस रेडिएशन देन कैविटी रेडिएटर्स। वो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कैविटी रेडिएटर्स हैं वो ज़्यादा हीट एमिट आउट करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी हॉट ऑब्जेक्ट्स। देयरफॉर मोर जनरल फॉर्म ऑफ स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ की हमारे पास क्या बनती है, आई इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन टी की पावर 4, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एमिसिविटी ऑफ द सर्फेस मटीरियल, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर ये फंक्शन है टेम्परेचर का। द एमिसिविटी इज वन ऑफ 4 आइडियल कैविटी रेडिएटर एंड इट्स वैल्यू इज लेस देन यूनिटी फॉर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। हमेशा इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है, ये जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ये हमें स्टीफन बोल्ट्समैन से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम सेकेंड देख लेते हैं प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रल रेडियंसी। द स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व एट अ गिवन टेम्परेचर शोज एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन। स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व हमारे पास यहाँ पर बन रही है। बेसिकली इस कर्व को वो स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व कह रहा है, जो कि हमें टेम्परेचर शो कर रही है एनर्जी, और वो बता रहा है यहाँ पर एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, बल्कि इरेगुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पर एनर्जी। जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, जो इंक्रीज आ रहा है टेम्परेचर में, वो बेसिकली एनर्जी एमिशन को शो कर रहा है कि यहाँ पर इतना। देखें, फर्स्ट में हमारे पास टेम्परेचर शो कर रहा है 1650 केल्विन, फिर 1450 केल्विन, फिर 1200 केल्विन, फिर लास्ट में 1000 केल्विन की कर्व शो हो रही है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, उतना ज़्यादा एमिशन ऑफ रेडिएशन इंक्रीज़ होंगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो हमारे पास यहाँ पर बता रहा है कि जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, एंड एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, और किसी एक ख़ास वेवलेंथ पर वो हमें ये वैल्यू शो कर रहा है टेम्परेचर की, 1650 केल्विन जैसे हमें नज़र आ रही है, 2000 केल्विन तक जा रही है ये वैल्यू। द टोटल रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी एपर्चर इज कॉल्ड रेडियंट इंटेंसिटी। द रेडियंट इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो टोटल रेडिएटेड पावर है पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी एपर्चर वो इंक्रीज हो रही है, और वो हमारे पास क्या है, रेडियंट इंटेंसिटी है। द रेडियंट इंटेंसिटी इंक्रीज, रेडियंट इंटेंसिटी उस वक्त इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। द रेडियंट इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियंसी। ये जो रेडियंट इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ बन रही है एट अ गिवन टेम्परेचर पे, इसी को वो स्पेक्ट्रल रेडियंसी का नाम दे रहा है। ये हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी की डेफिनेशन हो गई। अब हम बताते हैं आगे कि स्पेक्ट्रल रेडियंसी को उसने आगे फॉर्मूलाज में कैसे लिखा हुआ है। द स्पेक्ट्रल रेडियंसी ड्यू टू इंटेंसिटी डी आई इंटू टी इन वेवलेंथ बैंड डी लैम्डा इज रिटन एज आर लैम्डा इज इक्वल्स टू डी आई इंटू टी ओवर डी लैम्डा। फिर यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी, रेडियंट इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, डी आई टी इज इक्वल्स टू आर लैम्डा डी लैम्डा। द रेडियंट इंटेंसिटी फॉर एनी टेम्परेचर ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ इज आई इंटू टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो से पावर जीरो से इन्फिनिटीज की हमने लिमिट ली है आर इंटू लैम्डा इंटू डी लैम्डा। अब ये जो जीरो से इन्फिनिटी लिमिट ली है, ये हमने टोटल एरिया बताया है, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन शो कर, इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया है, और हमें यही ये हमारे पास टोटल एरिया को शो कर रहा है, और यही हमारे पास रेडियंट इंटेंसिटी की वैल्यू है। द स्पेक्ट्रल रेडियंसी टेल्स हाउ द इंटेंसिटी ऑफ द कैविटी रेडिएशन वेरीज विद वेवलेंथ फॉर अ गिवन टेम्परेचर। ये हमें स्पेक्ट्रल रेडियंसी बताती है कि हमारे पास जो कैविटी रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो किस तरह चेंज हो रही है वेवलेंथ से एट अ गिवन टेम्परेचर। द स्पेक्ट्रम शोज स्पेक्ट्रल रेडियंसी फॉर कैविटी रेडिएशन एट 4 सिलेक्टेड टेम्परेचर्स। स्पेक्ट्रम शो किया गया है, उसने 4 सिलेक्टेड टेम्परेचर्स लिए हैं फॉर कैविटी रेडिएशन के लिए। द रेडियंट इंटेंसिटी इंक्रीजेज, रेडियंट इंटेंसिटी उस वक्त इंक्रीज होगी जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बिकॉज एरिया अंडर कर्व इंक्रीज हो रहा है, एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब है रेडियंट इंटेंसिटी भी हमारे पास इंक्रीज होगी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन ने हमें ये टेम्परेचर डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया। द स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व एट अ गिवन टेम्परेचर शोज दैट स्पेक्ट्रल रेडियंसी हैज मैक्सिमम वैल्यू एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू शो आती है, उसे स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व एट अ गिवन टेम्परेचर, उसी को ये हमारे पास शो कर रहा है। दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड मैक्सिमम वेवलेंथ। इसी वेवलेंथ को उसने मैक्सिमम वेवलेंथ का नाम दिया, लैम्डा मैक्सिमम से, जिसे हम यहाँ पर डिनोट करेंगे।
the value of maximum wavelength of spectral radiancy curves decreases as temperature increases. It means maximum wavelength is inversely proportional to absolute temperature. Lambda maximum is inversely related to temperature. टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी. ये हम स्पेक्ट्रल ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी पढ़ कर आए हैं और यही बात वेन्स डिस्प्लेसमेंट भी बताता है हमें कि लैम्डा मैक्सिमम इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर. और यहाँ पर उसने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को कन्वर्ट कर दिया है एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट से, जो हमें यहाँ पर बी शो कर रहा है. लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू बी ओवर टी, वेयर बी इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, जिसे हम वेन्स कॉन्स्टेंट कहेंगे. इट्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2898 माइक्रोमीटर पर केल्विन. दिस फार्मूला इज़ यूज टू डिटर्मिन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी. ये फार्मूला जो है वो हमारे पास डिटर्मिन करने के लिए यूज होता है टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी. ये था आज का लेक्चर. थैंक यू सो मच गाइज. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.